हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रून चैनल डेली कॉमेडी। सो यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले नेचुरल गैस के जो 22 फ्यूचर चल रहे हैं, यहाँ पर करेंटली मार्केट में किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, और यहाँ पर हमें नेक्स्ट वीक के लिए अगर कोई ट्रेड बनाना हो तो कौन कौन से प्राइस पैरामीटर, कौन कौन से सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल, एंट्री एग्जिट यहाँ पर हमारे क्या रह सकती है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हम इसी वीडियो में। सो यहाँ पर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को, इस डेली कॉमेडी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर हम वीकली ओवरव्यू एनालिसिस करने से पहले हम यहाँ पर 1 आवर की टाइम फ्रेम यूज़ कर लेंगे, और 5-8 फिबोनाची जो है फॉर अ टाइम बीइंग हम यहाँ पर हटा देते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हो कि 18 अप्रैल के लिए जो एक अच्छी खासी ओपनिंग, दैट इज एक अच्छी खासी जो है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर हमें जो है गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है, बिकॉज यहाँ पर 14 अप्रैल के दिन भी जो क्लोजिंग हुई थी वो काफ़ी बुलिश देखने को मिली थी। तो एक अच्छी खासी ओपनिंग हुई है, और आपको पता होगा कि जब कभी भी एक बड़े गैप्स बनते हैं तो कमोडिटी मार्केट के अंदर मोस्टली 1 या 2 दिन के अंदर कवर हो जाते है। तो यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट उसी दिन जो है ये गैप कवर होते हुए भी देखने को मिला है, तो दैट इज ऑल्सो द पॉजिटिव थिंग। और उसी के साथ साथ में यहाँ पर हमें एक चीज़ जो है काफ़ी अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि अच्छा खासा जो है यहाँ पर हमें सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। हालांकि ये सपोर्ट लेवल को अभी तक बेस की तरह से अभी तक ब्रेक नहीं किया है डाउन साइड के अंदर, तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है। बट यहाँ पर हम अगर इससे काफ़ी प्रिसाइसली भी देखते तो नियरली 1, 2, 3 एज वेल एज अभी भी जो है ब्रेक, एक सपोर्ट लेवल पर आना जो है यहाँ पर काफ़ी बाकी है। तो फॉर अ टाइम बिंग हम यहाँ पर जो है वेट कर सकते हैं। एक अच्छा खासा जो है यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक बेहतरीन सपोर्ट लेवल के साथ में एक अच्छा सा डिमांड जोन क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम इसे इन पॉइंट टर्म्स देखते हैं तो 510 से 520 के बीच में एक अच्छा सा जो है यहाँ पर हमें एक डिमांड जोन क्रिएट होते हुए देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर 510 के नीचे अगर यहाँ पर कैंडल्स जाती है और सस्टेन करती है बिलो दैट प्राइस लेवल, तो काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट यहाँ पर हमें डाउन साइड के अंदर देखने को मिल सकता है। हालांकि एक पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि जो अपसाइड के अंदर जो चीज़ जो है यहाँ पर एक अच्छा सा ट्राइंगुलर पैटर्न जो है हमें ज़रूर फॉर्म होते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, बिकॉज यहाँ पर नियरली 1, 2 और 3 दैट इज 3 पॉइंट्स को ही यहाँ पर हमें जो है टच करते हुए देखने को मिल रहा है। बट स्लोली एंड स्टडली जो है यहाँ पर हमें पॉइंटर्स डाउन साइड के अंदर फॉर्म होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर पैरेलल चैनल भी यूज़ करते हैं तो काफ़ी डाउन ट्रेंड का जो मोमेंटम है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर 2 पैटर्न जो है बन रहे, दैट इज यहाँ पर जो है ज़्यादा बैरिश की तरफ मोमेंटम जा सकता है, बट यहाँ से रिसाइजली जो है फिर से अच्छा सा सपोर्ट लेवल लेकर एक पॉजिटिव मोमेंटम भी दे सकता है। सो फॉर अ टाइम बिंग हम यहाँ पर देखते हैं कि एक बड़ी गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग नहीं होती है तो प्रिसाइजली हम ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से जो है जिस तरह से कैंडल्स फॉर्म होती है, और ऑफकोर्स पेशेंस यहाँ पर हमें जो है वेट करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पर हम जो है नेक्स्ट वीक के लिए डेट बना सकते हैं। आरएसआई अगर हम देखते हैं तो आरएसआई का अभी जो है करंटली बेरिश मोमेंटम के आसपास ही है। फॉर अ टाइमिंग हम यहाँ पर देखेंगे कि जो ट्रेड हमारी जो रहेगी वो मोस्टली शॉर्ट साइड पर रहनी चाहिए। हालांकि अगर एमएसडी को भी देख लेते हैं तो एमएसडी का भी जो लास्ट इंटीमेशन है वो यहाँ पर हमें शॉर्ट साइज पर ही देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर नेक्स्ट वीक के लिए यहाँ पर प्रिसाइसली हमारा टारगेट रहेगा कि हम नेचुरल गैस को शॉर्ट करें, बट हम यहाँ पर जो है परफेक्टली मोमेंटम के साथ में ही यहाँ पर हमें जो है क्लोज डैडिश जो सेटअप रहेगा हमारा शॉर्ट के साइड पर हमारा डायरेक्शनल रह सकता है। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, या फिर ट्रेडिंग पर्पज के लिए आपके लिए मददगार रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।